जब नया नया पाकिस्तान से आया था संदीप भाई, तो हमारे चाचा को राइस मिले चांगोदर में, गणेश राइस मिल नंदलाल जी। तो जब तक अपने व्हीकल ले, मैं बस में बैठा, तो एक मौलाना बस में बैठा था, मगर ऐसे टांगे खोल के ताकि दूसरा बंदा नहीं बैठे। अच्छा, बस चली तो भी ऐसे बैठा। मैंने बोला चाचा अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम अस्सलाम। मैंने बोला दादा पोजीशन से तो बैठो, हम भी बैठे। बोले मुसलमान हो? मैंने बोला नहीं, मैं हिंदू हूँ। बोले सलाम किया, मैंने बोला उसमें क्या बुराई है भाई, अस्सलाम वालेकुम भी आपके ऊपर अल्लाह की सलामती। आपने बोला वालेकुम अस्सलाम भी आपके ऊपर अल्लाह की सलामती। बोले यार बहुत जानकार लगते हो, पर मेरे से बहस मत करो, मैं कुरान शरीफ का हाफिज हूँ। मैंने बोला अगर आप हाफिज है तो मैं आपसे चार सवाल पूछता हूँ, अगर आपने जवाब दिया तो मैं आपका गुलाम हो जाऊँगा। सवाल नंबर एक, ऐसी कौन सी चीज़ है इंसान देखे खुदा नहीं? बोले ला वाला कुआ, तुम तो पक्के काफर हो, खुदा को छोटा कर दिया। मैंने बोला दादा जवाब चालू बस में दूंगा, पहले ध्यान से सुनो, ऐसी कौन सी चीज़ है इंसान देखे खुदा नहीं? सवाल नंबर दो, इंसान में है आपके खुदा में नहीं? खुदा में नहीं। सवाल नंबर तीन, इंसान को मिले पर खुदा को नहीं? सवाल नंबर चार, उर्दू आती है? बोले आती है। मैंने बोला 17 अल्फाज का वाक्या जिसमें कोई नुक्ता ही नहीं? बोले जवाब है। मैंने बोला जवाब चालू बस में दूंगा, सिर्फ आप मानो कि हाँ भाई अकल की एंड नहीं होती है। जीत जीतते उम्र गुजारी होती हार फकीरा, जीते दामुल चार कोटी हारे दामुल हीरा, हीरा नहता लख करोड़ कोडे दामुल कसीरा, हुन शाह सुल्तान बाबू जो हार न माने वो बेमुर्शिद बे पीला। बोले अच्छा बताओ ऐसी कौन सी चीज है इंसान देखे खुदा नहीं? मैंने बोला वो है सपना। सपना इंसान ही देखता है, खुदा हकीकत ही देखता है, क्योंकि सपना देखा जाता है बराबरी वालों का, खुदा के बराबर कोई नहीं। इंसान में है खुदा में नहीं, ऐब अवगुण हर इंसान में, खुदा में कोई ऐब नहीं है। वायदा वो ला शरीक वही है, उसके शरीक कोई नहीं। इंसान को मिले खुदा को नहीं, मौत हर इंसान को मिलेगी, खुदा को कभी नहीं मिलेगी। 17 अल्फाज का वाक्य जिसमें नुकता नहीं, दिन में 5 मरतबा पढ़ते हो कलमा शरीफ, यहाँ तो कूली पिक्चर देखो, जब अमिताभ को गोली लगती है तो क्या बोलता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई अल्लाह नहीं, मोहम्मद उनका रसूल है। बोले सुरेश भाई कभी आना सरखेज हमारा होटल है। मैंने बोला दादा आपको गर्म हो जाते हैं यार।